इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एंटी स्पोर्ट सुपर फ्लो 120mm RGB फैन का और इसमें रेनबो इफेक्ट मिलता है आपको। जैसा कि आपको पता होगा अभी जितने कैबिनेट मार्केट में आ रहे हैं वो सब कैबिनेट 120mm के फैन को सपोर्ट करते हैं। अगर आप एक सिंगल 120mm फैन खरीदना चाहते हैं तो ये फैन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और इसके अंदर मतलब इसके बॉक्स के अंदर आपको फैन के अलावा क्या मिलता है वो देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा फैन के अलावा कुछ ज्यादा कुछ दिया नहीं होगा। जैसा कि इसकी प्राइसिंग है 480 रुपए तक आपको अमेजोन पर इजीली मिल जाएगा। ये एड्रेसेबल RGB नहीं है यानी कि ARGB फैन नहीं है ये। और इसके अंदर जो आपको पैकेट मिलता है छोटा सा ब्राउन कलर का, इसमें आपको कुछ स्क्रू दिए हैं और इसकी मदद से आप अपने कैबिनेट में ये फैन को इंस्टॉल कर सकते हैं मतलब फिट कर सकते हैं। और ये मेटल के स्क्रू हैं। और जैसा कि आपको पता होगा एड्रेसेबल RGB की बात करें तो उसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब अपने हिसाब से कलर आप सेट कर सकते हो जो भी पैटर्न चाहिए एड्रेसेबल RGB में। लेकिन ये ऑटो ARGB मतलब ऑटो RGB फैन है, ARGB फैन नहीं है। और इसमें ऑटोमेटिक कलर के पैटर्न चेंज होते रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट कलर का ये जो आपको छोटा सा एक स्टिकर जैसा नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक रबड़ है और इससे ग्रिप अच्छा बैठता है कैबिनेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर साइड में एक रिंग यूज़ की गई है। फैन जो बीच में ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल है और साइड में अगर देखेंगे तो मतलब बैक साइड में और फ्रंट साइड में दोनों में एक रिंग का यूज़ किया है। ये RGB रिंग है। अभी मैं जब आगे आपको ये चालू करके बताऊँगा फ़ैन तो देख लेना। फिलहाल इसके जो पीछे लिखा है एंटी स्पोर्ट्स और सुपर फैन जो भी इसका नाम है और 120mm फैन का मॉडल नंबर दिया है इस पर आप देख सकते हैं DC 12 वोल्ट पर चलता है, 0.7 एम्पियर तक का करंट लेगा ये फैन। और इसके साथ जो केबल मिलता है वो स्ट्रिप टाइप का आपको केबल मिलता है। केबल की अगर लेंथ की बात करें तो ठीक ठाक लेंथ है, आप कैबिनेट में इजीली केबल मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके बाद इसका जो मॉलेक्स कनेक्टर है आपको एक साइड से फीमेल कनेक्टर मिलता है, फ्रंट में आपको मेल कनेक्टर मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट कलर का मॉलेक्स कनेक्टर दिया है, एक मतलब सेपरेट कनेक्टर है ये। और इसके अंदर आपको 3 ही पिन देखने मिलती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें एक पिन टूटा है या तो डैमेज है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मॉलेक्स कनेक्टर में जब ये वाइट वाला प्लग लगा के देते हैं तो उसमें 3 ही पिन मिलता है। जब आप इसे रिमूव करोगे तो जो आपका मेन कनेक्टर है उसमें आपको 4 पिन मिलेगा, लेकिन आपको इसे रिमूव करके लगाना नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक या तो पावर सप्लाई के बारे में अच्छी सी जानकारी है अच्छी खासी तभी आप इसे रिमूव करके लगाना, वरना इसको लगा के यूज़ करना। यहाँ पर देख सकते क्लियर वार्निंग लिखा हुआ है कि आप इसे वाइट वाला जो मॉलेक्स कनेक्टर है इसे निकाल के मत यूज़ करना, डायरेक्ट ब्लैक वाला कनेक्टर आपको SMPS के मॉलेक्स के साथ कनेक्ट नहीं करना है। वरना क्या होगा, सिंपल सा चीज़ है, देखो जहाँ पर RGB फैन को 5 वोल्ट का करंट चाहिए वहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हो सकता है, तो जिससे आपकी RGB फैन में जो RGB लगी हुई है वो डेड हो जाएगी मतलब बर्न हो जाएगी जल जाएगी। वैसे फ़ैन को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस RGB को बचाने के लिए उसका कनेक्टर का यूज़ किया है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल इस फ़ैन की RGB को टेस्ट कर लेते हैं, मतलब ये फ़ैन आपको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं किस तरह जलता है, आपको सप्लाई भी दिखा दूंगा। यहाँ पर फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ जो इनफ है इस फ़ैन को चलाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है SMPS का मॉलेक्स कनेक्टर फीमेल है और जो हमारा वाइट कलर वाला वो मेल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड वायर और ये येलो वायर, येलो वायर में 12 वोल्ट सप्लाई रहती है, ब्लैक वाले में माइनस रहता है और रेड वाले में 5 वोल्ट की सप्लाई रहती है। जो 5 वोल्ट है वो 5 वोल्ट अपना RGB के लिए होता है और जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो अपने फ़ैन के लिए होता है। और जो बीच का कॉमन है उसे दोनों के कॉमन को एक साथ करके दिया है मॉलेक्स कनेक्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कनेक्टर को कनेक्ट किया हमारा फैन वर्क कर रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से। और इसमें आप देख सकते हैं रेनबो इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है और देखिए दोनों रिंग ग्लो हो रही है, उसके साथ जो फैन के बीच में भी एक RGB का यूज़ किया है वो भी ग्लो हो रही है, तो अच्छा खासा काफ़ी इफेक्ट है।
मेरा कैमरा अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा था इस कलर को, तो आप थोड़ा ब्राइटनेस में इशू देख सकते हैं, बट आरजीबी अच्छी है, ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा पैटर्न लग रहा है इसका, और ऑटोमेटिक इसके पैटर्न चेंज होते रहते हैं, जैसा कि इस पर ऑटो आरजीबी आपको पहले से लिखा हुआ था बॉक्स पर, तो उस हिसाब से ये अपना ऑटोमेटिकली आरजीबी को चेंज करते जा रहा है। और मैं इसे लाइट बंद करके भी दिखाता हूँ कि इसकी ब्राइटनेस कितनी है और क्या आपको ये आरजीबी फैन लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युअली एक एक कलर भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, लेकिन आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके अंदर जो कंट्रोलर लगा हुआ है वही पूरे पैटर्न को कंट्रोल करता है। अगर आपको एक ही फ़ैन लेना है तो ये फ़ैन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप आरजीबी फ़ैन ले सकते हैं, या फिर अगर आपको मल्टीपल फ़ैन की ज़रूरत है, यानी कि तीन या फिर दो से ज़्यादा फ़ैन की ज़रूरत है आपको, तो आप आरजीबी फ़ैन लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई ऐसे भी बॉक्स आते हैं एंटी स्पोर्ट्स के जिसमें तीन आरजीबी फ़ैन मिलती है, उसके साथ कंट्रोलर भी मिलता है, उसकी मदद से आप आरजीबी के पैटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। अगर सिंगल फ़ैन की रिक्वायरमेंट है तो ये आप ले सकते हैं डेफिनेटली, और 480 रुपये इसका प्राइस है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लाइट बंद कर दिया है, तो इसका ब्राइटनेस कितना है, ठीक ठाक ब्राइटनेस है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।